अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया, क्या हाल चाल है? तो आज हम बात करेंगे इस कैंसर के बारे में जो बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ तो भैया, इस बंदे का नाम है एलेक्स भट्टी। भट्टी बोलते हैं, टट्टी बोलते हैं, बात एक ही है, क्योंकि इसके काम उससे ज्यादा। भाई लोग टिकटॉक पर आते हैं फेमस होने के, फेम मिल जाएगा तो छोटा मोटा कमर्शियल मिल जाएगा, मॉडलिंग कर लेंगे, और अगर सितारे गर्दिश में ना हुए तो छोटा मोटा रोल तो मिल ही जाएगा किसी कमर्शियल या किसी ड्रामे का या किसी चीज़ का भी। लेकिन ऐसे लोगों का तो पता ही नहीं चलता कि भाई ये लड़का है, लड़की है, खुजरी है, खुजरा ये है क्या। एक बात समझ नहीं आ रही, ये लोग टिकटॉक वाले, ये लोग नॉर्मल कंटेंट नहीं बना सकते। मतलब खुसरा खुसरी ये बनना ज़रूर है, मतलब ऐसी हरकतें करके दिखाना ज़रूर है कि मेरे में कीड़ा है। मतलब मैं ना लड़का हूँ ना लड़की हूँ, मैं कुछ बीच का ही हूँ। मतलब इसकी हरकतें देख के इसका बाप भी सोच रहा होगा कि उस दिन अगर मैं मशीन ना चलाता, हाथ से कपड़े धो लेता, तो ये ऐसा खदड़ा बच्चा पैदा ना होता मेरा, जो कि मेरी जिल्लत का बायस बन रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उसके बाद ये पेशे खिदमत एक नया अजूबा, इसकी तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। अब देखें, नजारा करें इसका जरा। हाँ भैया, ये जो पेशे खिदमत बंदा है इसका नाम है मोहम्मद इरफान। आप इसकी पर्सनैलिटी देख लें और इसका लुक देखें और इसके काम देखें। इसके आप सारी की सारी जितनी वीडियोस देखेंगे ना, सब की सब वीडियोस लड़कियों के साथ होंगी। कोई एक आधा वीडियोस ये अकेला बनाता है, वरना सारी वीडियोस लड़कियों के साथ। क्यों ठेका उठा लिया है क्या भाई बे? वाह 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 मौलवी, मैंने तो समझा सिर्फ उस बंदे में जरासीम है, लेकिन तुझमें तो उससे कई गुना ज्यादा है। तू तो उसकी तरह स्टाइल भी बना सकता है खतरों की तरह। वाह ताली। जब ऐसी पर्सनैलिटी कर टिकटॉक पर आओगे तो भाई जिल्लत तो तुम्हारे हक में बनती है ना भाई। तुम्हें और कोई कंटेंट मिलता ही नहीं कि तुम सिर्फ बेहयाई और बेगैरती पर ही उतरो। ये तो शुक्र करो कि लोग तुम्हें सिर्फ बुरा भला कह रहे हैं, तुम तो जूतों के हकदार हो। सच्चू पत्थर 3 दिन तक डबोया जा, तुम्हें दे बंपर पर तुम्हें दिया जाए, दे बंपर पर दिया जाए तुम्हें। ओ भाई, तेरा रेट पित्तल का भी नहीं है, तू सोना चांदी सूतली के मुंह वाले मौलवी। नैनों की तो बात मेरा जाने है, सपनों के राश्व दिल भर दीदीना भाई दीदीना, मना कुश्ती दीदीना दीदीना दीदीना। अबे कौन सी दीदी भाई? ओ मौलवी, जाके कोई तू अल्लाह रसूल का नाम ले। अगर तूने टिकटॉक बनानी भी है तो भाई कोई अच्छी फनी, कोई मतलब कोई लगे भी, कोई अल्लाह रसूल का नाम ले। जैसी तेरी पर्सनैलिटी है बंदे के हिसाब से, उस हिसाब से बनानी चाहिए। अब तेरी पर्सनैलिटी क्या और तू हरकतें किस तरह की कर रहा है, कुछ शर्म कुछ। असल में टिकटॉक पर आप जाएंगे ना तो आपको क्रिंज के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा क्रिंज टिकटॉक में भरा पड़ा है, और कोई चीज़ है ही नहीं उसके अंदर, सिर्फ गंदी गंद बेहयाई बगैरती। भाई एक तो हो गई ये खदड़े, दूसरे तो हो गए वो बैचलर जो इनको कोई बच्ची बच्ची मिलती नहीं तो टिकटॉक पर जाकर अपनी घिसते रहते हैं, तीसरे हो गए वो भाई जो शादीशुदा है। चलो भाई, तुम्हें तो मशीन मिली हुई है ना, तुम किस चक्करों में पड़ गए हो, वो भी अपनी बेगम के साथ बेहयाई पे उतरे हुए। खैर If you like the video, subscribe, subscribe, subscribe. मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।